हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की विश थी जिनका नाम है डॉक्टर विकी बतराम। सो उनकी इस रिक्वेस्ट पे आज हम चिकन करी बनाने वाले हैं। अगर इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ नोटिफिकेशन में आएंगी और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चिकन को अच्छे तरीके से धो लेते हैं। तो सोनू धो रही है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चिकन कैसे धुला जाता है। सो बने रहिए। तो चिकन को अच्छे तरीके से धो लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार पानी से अच्छे से धो लीजिए इसको, और पूरा पानी अच्छे से फेंक सकते हैं। इसमें आप नमक भी डाल सकते हो, नमक डाल के आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये अभी हमारा थर्ड टर्न है चिकन को धोने का, और इसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। आप इसमें नमक भी डाल सकते हो, नमक से अच्छे तरीके से धुल जाएगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा चिकन पूरी तरीके से धुल के रेडी है, और इसको अभी हम साइड में रखेंगे और बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे। जैसे कि हमें अभी ओनियन काटना है, टमाटर काटना है, मिर्ची काटना है, कोरिएंडर पाउडर काटना है, उसके बाद में सब चीज़ों का पेस्ट बनाना है। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, सोनू अभी टमाटर, कांदा, मिर्ची काट रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इसके बाद में पेस्ट करना है, राइट? यस। इसको तेल में डाल के थोड़ा इसे फ्राई करना है। फ्राई करना है, टोमेटो को फ्राई करना है। ये कुछ नया चीज़ देख रहा हूँ मैं, टोमेटो ओनियन को फ्राई करना है। चलो देखते हैं, मैंने लिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, अभी हम जो फ्राई करने वाले हैं उसमें क्या क्या पड़ने वाला है, इसमें थोड़ा सा चावल, दाल, धने और खोबरा केस, और उसके बाद में ये जो ओनियन रखा हुआ है ये इसमें तलने के लिए डालने वाले हैं अपन। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो सुनो, अभी हमने जो चीज़ें दिखाई है हमारे दर्शकों के लिए, वो सब चीज़ें अभी इस पैन में हम डालने वाले हैं। हाँ। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने जो चीज़ें पहले बताई थी वो सब चीज़ें इसमें डालना है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको घुमा लीजिए अच्छे से। ये कितने मिनट तक घुमाना है? 5 मिनट। 5 मिनट तक इसको घुमाना है? बाप रे। ठीक है सर, दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। सो दोस्तों, लगभग 5 मिनट के बाद में इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, और अभी इसको हम निकाल के रखेंगे साइड में, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में इसका हम पेस्ट बनाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ में। सो दोस्तों, हमने जो ओनियन को फ्राई किया था उसको मैंने मिक्सी पैन में डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, इसको अभी हम ग्राइंड कर लेते हैं, और इसके बाद में हम पेस्ट को बाहर निकाल लेंगे और आगे की चीज़ हम फिर से करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, अभी हमारा पेस्ट बनके टोटली रेडी है, और अभी हम पैन में ऑयल गरम करेंगे और आगे की चीज़ उसमें डालेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पेस्ट जो हम बनाने वाले हैं, टोमेटो का पेस्ट बनाने वाले हैं। तो चलो टोमेटो का पेस्ट बनाते हैं, और बने रहिए मेरे साथ में। सो दोस्तों, टोमेटो का पेस्ट भी बन के रेडी है, तो इसको भी हम बाहर से निकाल लेते हैं और एक पैन में बॉल में निकाल लेते हैं, और फिर अगले स्टेप के लिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, और अभी हम इसमें डालने वाले हैं जीरा, उसके बाद में तेज पान। तो दोस्तों, अभी हम इसमें डाल रहे हैं ओनियन का पेस्ट, थोड़ा
ओनियन का पेस्ट डालने के बाद में इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए। लाओ मैं घुमाता हूँ। इसके बाद में हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप पकड़िए इसको, आप इसको अच्छे तरीके से घुमा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे इसको हम पूरी तरीके से घुमा लेते हैं, अब इसको एक दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर हम अपना लीड रख देंगे। सो बने रहिए। तो दोस्तों लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसका लीड रिमूव करेंगे, देखते हैं ये मसाले पके या नहीं। तो सोनू ये मसाले पके? हाँ, पके। तो सोनू का कहना है कि ये मसाले पूरी तरीके से पक गए हैं। और इसमें अभी हम क्या डालने वाले हैं? इसमें हम अभी टोमेटो का पेस्ट डालने वाले हैं। तो जो हमने टोमेटो का पेस्ट बनाया था वो अभी हम इसमें डाल दिया है दोस्तों। और इसको एक बार फिर से घुमा लेंगे। ये जो सब्जियाँ हम कर रहे हैं ये सब चीज़ें ग्रेवी के लिए कर रहे हैं। और जब इसमें चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा दोस्तों। सो बने रहिए मेरे साथ में। इसको अभी हम पकने के लिए फिर से छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सो दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसका लीड रिमूव करते हैं। और मेरे हिसाब से ये मसाले अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब इसमें क्या डालना है? इसमें अभी अपन को मिर्ची पाउडर वगैरह। अच्छा। जो मसाले हैं एक्स्ट्रा वो सब डालना है। सो इसमें अभी हमारे को मिर्ची पाउडर और जो भी अदर स्पाइसेस है उसमें डालना है। सो एक एक करके सोनू इसमें स्पाइसेस डालेगी। तो अभी सबसे पहले हम डालने वाले हैं रेड चिली पाउडर। सो 3 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच हमने हल्दी डाला है उसमें। इसके बाद में स्वादानुसार नमक। मैं हमेशा बताऊंगा कि नमक थोड़ा सा कम ही डाला करें, क्योंकि कम हो गया तो हम डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा होने के बाद हम निकाल नहीं सकते। इसके बाद में हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और बस इसको ये सब चीज़ें डालने के बाद में इसमें हम एक चीज़ बची है वो है एवरेस्ट का चिकन मसाला। तो अभी हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे और एक बार इसको फिर से घुमा लेंगे। तो अभी हम डाल रहे हैं एवरेस्ट का चिकन मसाला। दोस्तों इसको एक बार घुमा लीजिए, इसको अच्छे से घुमा लीजिए। ये सच में देखने में बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों हमने इसको अच्छे से अभी घुमा लिया है, इसको मिक्सअप कर लिया है। अभी हम इसको अगले 2 से 3 मिनट के लिए फिर से एक बार पकने के लिए छोड़ देते हैं। सो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। इसका लीड लगा लीजिए। तो इसको अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसका लीड रिमूव करेंगे। सो ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और मेरे ख्याल से मसाले अच्छे तरीके से पक रहे हैं। इसको घुमाते रहिए दोस्तों, जब तक इसमें ऑयल नहीं आ जाता है तब तक इसको घुमाना है और इसको पकने के लिए छोड़ना है। जब तक मसाले खुद को ऑयल नहीं छोड़ता है तब तक। तो दोस्तों हमारे मसाले लगभग पक के रेडी है। अब हम इसमें डालने वाले हैं चिकन। सो धीरे धीरे करके इसमें आप चिकन के पीस डालिए। अब दोस्तों इसको अच्छे तरीके से घुमा लीजिए। इसको मसाले में अच्छे तरीके से घुमाने के बाद में इसको हमें पकने के लिए छोड़ना है, लेकिन मेक श्योर दैट कि ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए दोस्तों। जब तक चिकन को सब मसाले लगेंगे नहीं ये इसका टेस्ट कुछ अलग ही लगेगा। तो मेरे हिसाब से अभी हमारा
चिकन जो है मसाले में पूरी तरीके से डूब चुका है। और एक बार इसको फाइनल घुमा के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसके ऊपर लीड रखने जा रहे हैं, पकने के लिए छोड़ देंगे इसको अभी दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम देख लेंगे कि ये फिर से चिकन है जो पका है कि नहीं है। सो अभी हम इसका लीड रिमूव करने वाले हैं और देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी और थोड़ा सा पकने के लिए इसको छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें हल्का सा अभी ऑयल आया है। सो आपको ऑयल ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि चिकन भी खुद को ऑयल छोड़ता है। तो एक बार फिर से इसको हम घुमाएंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर से एक बार हम पकने के लिए छोड़ देंगे। सो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। सो आप इसका लीड लगाइए सोने। तो दोस्तों लगभग 4 से 5 मिनट होने के बाद में अभी हम इसका लीड रिमूव करने जा रहे हैं। सो देखते हैं कैसा बना। वाह, सो ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें अच्छे से ग्रेवी आई हुई है। अभी हद तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है दोस्तों, तो आप सोचिए अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो और कितना सुंदर ग्रेवी बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि चिकन खुद का ऑयल छोड़ता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से ग्रेवी आ चुकी है और चिकन भी पूरी तरीके से अभी मसालों में पक चुका है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से अभी पानी डालेंगे। तो अभी हम इसमें लगभग जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना हमने पानी डाल दिया है और अभी एक बार इसको हम फिर से एक बार घुमाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों हमने लगभग पानी इसमें डाल दिया है और अभी हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे अगले 3 से 4 मिनट के लिए। चलो मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों लगभग 4 से 5 मिनट होने के बाद में अभी हम लीड रिमूव करने जा रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे हिसाब से ये पूरा पक के रेडी है। तो अभी हम इसका गैस बंद कर देंगे और बस फाइनली हमारा चिकन ग्रेवी बन के ही रेडी है। सो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। तो दोस्तों अभी हमने गैस बंद कर ली है और इसके ऊपर हमने कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं। ये बस गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है और हल्का सा टेस्ट में भी इसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है। सो बने रहिए मेरे साथ में। सो दोस्तों फाइनली हमारा चिकन करी बन के रेडी है और इस बार सुमन ने सब चीज़ें बनाई हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपके पास में आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। सो दिस इज़ संगरत्ना साइनिंग ऑफ।